हेलो दोस्तों, दिस इज द मैटर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो हाइड्रोलिक क्लच और ब्रेक के ऊपर, बेसिकली ब्रेक तो डिस्क ब्रेक होते हैं, हाइड्रोलिक क्लच के ऊपर। मेरे बहुत पहले एक थंडरबर्ड में वीडियो नहीं थी, बहुत पहले लगाया था, अभी फिलहाल हम लगा रहे हैं इसमें हाइड्रोलिक, क्योंकि मेरे पास मेल बहुत आई कि भाई हाइड्रोलिक लगाना सही है, क्लच हाइड्रोलिक क्लच सही है या नहीं। मैंने इसके लिए क्या करा है, हार्लेट के मंगा लिए, हार्लेट टाइप मंगा लिए, क्योंकि उसका सिलेंडर बड़ा होता है, क्लच इसको झेल जाएगा, उसमें क्लच में दिक्कत थी, इसमें शायद ना हो। तो हम इसको लगा के देखने वाले हैं कि कैसा है। अभी दिखाता हूँ क्या मंगाया मैंने। मैंने मंगाए ये वाले, ये है भाई हार्ले की तरह बिल्कुल डिट्टो मिलते हुए, और क्लच और ब्रेक की तरह दोनों सेट है ये, ठीक। इसके साथ हमें नीचे का ये वाला सिलेंडर मिल जाता है पिस्टन, जो हमारा क्लच की तरह काम करेगा, और साथ में कुछ एसेसरी हैं अलग अलग बाइक के लिए, बट मेरे लिए खाली यही काम आ जाएगी। और साथ में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसके अंदर मुझे मिला है भाई, अगर इसकी सील ख़राब होती है, हम यहाँ से इसके सील निकालते हैं, यहाँ पे ना इसका कैलीपर एक रबड़ जैसे कैलीपर में रबड़ है, ऐसी इसकी यहाँ पे रबड़ है, मेजर किट जिसे कहते हैं हम डिस्क ब्रेक वाली में, ऐसी है। अगर ये बाई चांस ख़राब हो जाए तो आपके पास एक एक्स्ट्रा आ जाती है, ठीक। हम इसको टाइट कर देते हैं, और इसके साथ आया है ये वाला पाइप, जो कि रबड़ वाला पाइप है। और रबड़ वाला पाइप क्या होता है, मैंने बता रखा है डिस्क ब्रेक वाली में, ये थोड़ा फूलता है, तो बट मैं लगा रहा हूँ इसके अंदर ये वाला पाइप, जो होता है हमारा मेटल वायर, प्लास्टिक के ऊपर मेटल वायर रिपीट, जिसकी वजह से क्या होता है पाइप फूलता नहीं है। तो बिना देरी करे इसको लगाते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं इसके शीशे, भाई आ जाओ बच्चों तुम। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका वैसे बेसिकली बिना खोले लग जाता, हम ऐसे लगा सकते थे, क्योंकि इसके जो ग्रिप हैं वो ऐसे वाले हैं, और मुझे इसमें डाउट लग रहा है ये हैंडल में ढीला आएगा, तो हमें इसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये हार्ले टाइप है, तो हार्ले के हैंडल का जो पाइप होता है वो मोटा होता है, बुलेट का पतला होता है, हर हमारी बाइक का पतला होता है, तो इसके लिए मुझे बुश बनाने पड़ेंगे, तो वही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लगाना तो है। इसका हम नहीं निकाल, मतलब निकल नहीं सकता, तो इसके लिए हमें पूरा खोलना पड़ेगा यहाँ से तामझाम। अब ये देखिए दोस्तों कितना ढीला है, इसको फुल भी टाइट कर देंगे ना तो ऐसे ही ढीला रहेगा। तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं बुश, क्योंकि हैंडल तो मोटा लगा नहीं सकते, तो इसमें यूज़ कर रहे हैं हम ये वाले बुश, मैंने लेथ पे बनवाए हैं, जो कि हमारे इस तरीके से आ जाएगा, देखो गैप आ जाएगा, फुल टाइट हो जाएगा। तो हम इसको लगाते हैं यहाँ और यहाँ, टाइट बाद में करेंगे, आ जाओ लग गया। तो बुश हमारा पूरा परफेक्ट रहेगा, इसमें चार के लिंक के लिए आना, इसका ये भी हटाना पड़ेगा, ये टच हो रहा है इसमें, इसको हटा देते हैं। बाद में देखते हैं कहाँ लगाना है इसे। हाँ, इसके अच्छी बात ये है कि भाई इसमें क्लच का स्विच भी है नीचे, आ जाओ बेटा कहाँ जा रहे हो, ये आ गया। आ जाओ बेटा, सही है, लुक तो बढ़िया लग रही है यार, आ जाओ भाई तुम भी खुल जाओ जल्दी से, और हम करें कम इसका चालू, पकड़ो ये ऐसे, शाबाश, रुक जाओ अभी सीधा रखना उसे, हाँ तुम तो यहीं से डालो पूरा काय को खुल ले भाई, आ जाओ बस हो गया काम। इसकी चूड़ियों की भी टेंशन नहीं, क्योंकि इसके साथ ये बोल्ट लगे हुए आते हैं, अगर आपकी बाइक में चूड़ी भी इधर उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे चूड़ियों तो सेम है, ये वाली लग सकता है, सेम चूड़ियाँ हैं हम ये वाले, तो एक काम करते हैं ना,
ये वाला भी लगा सकते हैं और ये क्रोम का भी लगा सकते हैं, तो क्रोम का लगा देते हैं इसमें, हम ओरिजिनल इसका साथ में रख देते हैं। ये लो ये इसमें लगा दो आपसे कैलिपर, ये अच्छा भाई ये हमने नीचे से डिस्क ब्रेक नहीं खोला तो एयर की दिक्कत नहीं आएगी, आराम से बन जाएगा ऊपर से प्रेशर इसका। अभी करते हैं टाइट, अच्छा अब इसका जल्दी से प्रेशर बनाते हैं और डालते हैं इसका। क्लच का पाइप लगाना है, ये वायर निकालो शाहरुख, वायर निकाल दो ये वाली, और ये हम लगा देंगे इसके क्लच के स्विच में वायर, और हैंडब्रेक स्विच की तो लगाई थी, हैंडब्रेक स्विच तो बढ़िया काम कर रहा है, ऐसे क्लच का काम करेगा इसमें। इस पाइप को हीटिंग से भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्प्रिंग लगी हुई है, तो हम यहाँ सिलेंसर के पास इस स्प्रिंग को लगा देंगे, सही आएगी यार फिटिंग एकदम परफेक्ट। ये पाइप भी ना ये सेम लग रहे हैं दोनों के, ये ब्रेक वाला भी ऐसी है देख रहे हो, ये कॉप वाला मेटल वायर का, और हमारा ये भी क्लच का भी ऐसे, वो लगाता मोटा मोटा अच्छा नहीं लगता वो। ये आज हमारा इस तरीके से, ये वाला हमारा लॉक पाइप ते फिट, और ये हमारा यहाँ फिट कर दे ताकि और हीट से भी दिक्कत नहीं आएगी इसको, क्योंकि स्प्रिंग आ गई हमारी। कहाँ जा रहे हो तुम, आओ 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 आओ, अंदर एक बहुत छोटा सा लॉक है बस, देखो ना दूर है, ये भी सही है, और यहाँ पर आ गया हमारा अब मास्टर सिलेंडर परफेक्ट। ये हमारी बहुत बाइकों के लिए आता है, इसको देख लो चूड़ी कितनी लंबी है इसमें, अब यहाँ से लीवर से लेके छोटे से छोटा यहाँ तक लगा सकते हो, इसके बाद अगर और लंबी जगह है तो और हम बस इसकी रॉड है, बट हमें तो काम छोटे में हो जाएगा तो हमें काटना पड़ेगा, मतलब ये डेट मीन्स वी वॉन्ट टू कट दिस थिंग फॉर डूइंग एनी थिंग, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं भी, रुक जा बेटा तू यहाँ आओ 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 खुल जा, काहे नहीं खुल रहा, तो इस तरीके से ये आएगा, यहाँ से क्लच हम एडजस्ट कर सकते हैं, और ये यहाँ से क्लच लूज टाइट कर सकते हैं, मार्कर देना, एक मार्कर से निशान लगा लेते हैं कि हमें कहाँ तक चाहिए, ठीक है इसको कट कर लेता हूँ, तो कट कर लिया है तो ये लगा देते हैं, क्योंकि बाद में ना इसके जो भोगली है उसमें वो नहीं आता, तो इसको फुल टाइट करना है बेसिकली, यहाँ से हमारी एक तरीके से क्लच की तार का सिस्टम हो जाएगा, और एक ही बार होता है लगाने में दिक्कत, मतलब फर्स्ट टाइम का है, बाद में तो ये आराम से निकल सकता है लग सकता है, इसको इसके हिसाब से यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, अब जैसे क्लच की तार लगती है ना ऐसे करके फंस जाया करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखिए ये है हमारा, इस तरीके से लग जाया करेगा, ये आ गया, ठीक है ना, उसको यहाँ से फिट कर लेते हैं, अब उसका पाइप कनेक्ट कर लेते हैं, ये और ये रबड़ आ गई हमारी, इसकी रबड़ पैकिंग, और इसको कर लेते हैं चेक नट, और बनाते हैं इसका प्रेशर। इसमें ये अच्छा है कि इसको एयर निकालने के लिए ना यहाँ पे एक बोल्ट है, इससे एयर निकलेगी, तो बहुत से में ये चीज़ नहीं होती है एयर निकालने के लिए, तो हम इसको कर सकते हैं आसानी से। अब ब्रेक ऑयल इसमें डाल देते हैं, ब्रेक ऑयल ही डलेगा इसके अंदर, पहले हम हैंड ब्रेक का प्रेशर ले आते हैं, और इसका ये फ़ायदा होता है अगर आपने खाली ऊपर ऊपर से खोला है तो इसको प्रेशर की टेंशन मत लो, इसमें खाली ब्रेक ऑयल डालो और अपने आप इसमें प्रेशर आ जाएगा। देख रहे हो ये बबल, क्योंकि हमने नीचे से नहीं खोला तो हमें नीचे से खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और प्रेशर अच्छा आ जाएगा इसमें। तो कितनी ऊपर एयर है वो पूरा भी भर जाएगा और हमारे ब्रेक बिना कुछ नीचे से खोले आ जाएंगे, और आ भी गए, तो थोड़ा एक बार यहाँ कर लेंगे, ये देखो सही आ गया प्रेशर, साफ़ कर दो टैंक के ऊपर से। थोड़ा सा टॉप अप
बहुत से लोग फुल भर देते हैं, फुल मत भरा करना वरना लीकेज होता है। अब ये लगा के हम लगाते हैं इसका मेन क्लच वाला काम। यहाँ से हो गया, मस्त ब्रेक आ रहे हैं। अब क्लच का और काम कर लेते हैं। इसमें डॉट थ्री यूज कर रहा हूँ, डॉट फोर भी यूज कर सकते हैं। और उसके प्रेशर की टेंशन मत लेना, दो तीन बार क्लच मतलब दबाने पे ही आ जाता है प्रेशर, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ये देखिए ये आ रहा है ना, यहाँ पे आ गया। इसको हम टाइट कर देंगे, ये देखिए एयर निकल लिए सारे इसके, आ गया हल्के हल्के प्रेशर आना चालू हो गया। ये देखिए काम करने लगा हल्का हल्का। अभी पूरा प्रेशर आता है इसमें, पूरा परफेक्ट काम करेगा। अब इसका ऑयल करते हैं पूरा और कैप लगा के दो तीन बार दबाएंगे क्लच, परफेक्ट आ जाएगा। क्योंकि एयर तो इसके सारे निकल ही चुकी है। तो सीधे कहाँ तुम यहाँ पे, नाम सीधा है तुम्हारा। अब ये लगा, वरना ऐसे करेंगे ना तो ऑयल फेंकता रहेगा। ये टाइट करके उसके बाद हम इसका प्रेशर, मतलब प्रेशर तो आ चुका है, लीवर को चलाएंगे ताकि, हाँ ये आ गया दो तीन बार में भी। और क्लच वायर स्विच ऑन लगाते हैं, हो गया काम परफेक्ट। लाओ पेस्ट कर 10 की चाबी दो, उसके लीवर के पेस्ट टाइट कर दें। इसमें मिरर और लगाने, ये नहीं पता इसमें मिरर कौन सा। अब तो ये वाले लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा बाहर आ जाएंगे भाई। ये वाले मिरर देखो ना यहाँ से, क्योंकि पहले मिरर यहाँ टाइट थे, अब इसके मिरर यहाँ टाइट होंगे। अब इसमें मिरर का मसला आएगा, क्योंकि मिरर ना ज़्यादा बाहर आएंगे। ये उल्टी सीधी चूड़ी कौन कौन सी है इसमें, ये आ गया। अब मगर ये ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, क्योंकि पहले वाला मिरर इस जगह टाइट था योक के ऊपर, अब ये योक के साइड है तो अच्छा नहीं लग रहा है यार ये। इसको क्या करें, कुछ जुगाड़ करते हैं ताकि इसे लगे बिना शीशे के, मैं चलाता नहीं हूँ। और यहाँ पे कौन सी चूड़ी है, क्योंकि बुलेट में तो होती है उल्टी और सीधी चूड़ी। ओहो इसमें दोनों तरफ सीधी सीधी चूड़ियाँ हैं, तो हमें करना पड़ेगा कुछ जुगाड़ इसका, ताकि दोनों शीशे सीधी चूड़ी वाले लग सकें। ठीक है इसका भी करते हैं, फ़िलहाल के लिए पहले चेक करते हैं कि कैसा क्या लग रहा है इसमें। शीशे का ना एक आइडिया आया है, देखो सीधी सीधी चूड़ी है और यहाँ पे हमारी सीधी चूड़ी होती है। खुल जाओ खुल जाओ। हाँ तो क्यों ना हम कुछ जुगाड़ कर लें इसके अंदर। एक देखना किसी कोई शीशे की डंडी पड़ी हो लेफ्ट साइड की सीधी सीधी चूड़ी वाली, यहाँ से बाहर ऐसे निकल लें। अगर हम इसको ऐसे लगा देंगे तो ये तो कुछ अलग लुक आ गई। हटो बच्चों कुछ हो रहे हैं, ये तो मामला। इसकी रबड़ नीचे लगा देते हैं, देखते हैं क्या आएगा। खुल जाओ क्योंकि ऊपर नीचे चूड़ी होती है क्लासिक वाले इसमें। ये रबड़ा लग रही है ऐसे, हाँ। और ये हमारा कुछ कुछ समथिंग लाइक डैट। शीशा इस पे टाइट, क्योंकि चूड़ी तो ऊपर नीचे की सेम है लेफ्ट साइड की, राइट साइड की अलग है बस ऊपर नीचे की।
ये लग भी अलग रहा है कुछ, ये है कौन सी गाड़ी का शीशा, लोग बोलेंगे भाई क्या, जिसने वीडियो नहीं देखी वो बोलेगा भाई शीशा कौन सी गाड़ी का है ये बताओ। ये तो कुछ अलग ही लग गया भाई, अलग ही लग रहा है कुछ ऐसे करके, डिज़ाइन कुछ अलग हो गया, साइड पूरी दिख रही है मज़ेदार। यहाँ का भी लगाता हूँ फिर देखता हूँ। ये डंडी मैंने लेफ्ट साइड की ले ली है क्योंकि शीशे टूटते हैं, डंडी को तो कुछ होता नहीं है, स्क्रैप में से ले लिए, अगर सही लगे तो छोड़ यही लगा रहने दूंगा, वरना तो चेंज तो करना ही है मैं शीशे। बिना शीशे के यार मुझसे तो चलती नहीं है, लोग पता नहीं कैसे चला रहे थे। तो अभी जितनी भी अभी चलाऊंगा टेस्ट राइड लेने के लिए इसकी, तो वो मैं बिना शीशे के तो चला नहीं सकता, और जब मार्केट जाएंगे जब इसके शीशे ले आएंगे। अब इसमें ना लुक अच्छी आएगी अगर मैं इसका राइजर ये हैंडलाइजर हटा दूंगा ना, तो अभी क्या यहाँ से खाली लग रही, जब ये नीचे आएगी भारी बहुत हैवी बाइक लगेगी, सामने से भी खतरनाक लगेगी कि आगे इससे क्या क्या है, ये मस्त लग रही है वैसे कुछ भी को। तो कंप्लीट हो गई है दोस्तों, अब वैसे क्लच परफेक्ट काम कर रहा है। अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है कि हम हाइड्रोलिक लगा लेंगे तो हमारा क्लच सॉफ्ट हो जाएगा। दोस्तों क्लच सॉफ्ट होने नहीं वाला है बिल्कुल भी, इतना फ़र्क आने वाला है कि आपको कभी इसका लूज़ होने की टेंशन नहीं है, तार टूटने की टेंशन नहीं है। जैसे ब्रेक हुआ करते ब्रेक लूज हो जाते हैं जिसके डिस्क ब्रेक नहीं होते, और डिस्क ब्रेक वाले के ब्रेक लूज नहीं होते, वो तो ऑयल का प्रेशर अपने आप जो हमारा ऊपर का ऑयल होता है वही हमारा बनाता रहता है। आपके दिमाग में अगर ये है कि भाई क्लच सॉफ्ट हो जाएगा, तो भाई ऐसी बहुत फेक वीडियो है जो क्लच सॉफ्ट हो जाएगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई हाइड्रोलिक में कोई ये पावर क्लच नहीं है, ये हाइड्रोलिक मतलब बेसिकली जो तार को खींच रहा था, अब ये क्या ऑयल का प्रेशर खींच रहा है उस चीज़ को। हमारा जो क्लच हार्ड होता है, हार्ड किस चीज़ से होता है, क्लच की स्प्रिंग से, हमारे क्लच की स्प्रिंग में कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर, ये उससे होता है। तो ऐसे पागलपंती की बातों में मत आना कि हाइड्रोलिक लगाने के बाद क्लच सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत से मेरे पास आए कि भाई हाथों में दर्द होता है हाइड्रोलिक लगा दो सॉफ्ट, कुछ नहीं होता। पावर क्लच की अलग बात होती है जो गाड़ियों में हुआ करता है कि भाई पावर क्लच है, वो इंजन जब घूमता है उसकी मोटर से कनेक्ट होता है, वो लंबा लंबा फलाना ढिमकाना होकर होता है, तो वो चीज़ एक अलग मैटर है। हाइड्रोलिक से मतलब इस चीज़ से कभी क्लच सॉफ्ट नहीं होता। और दूसरा पॉइंट, अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई कहाँ से बाय करना है, तो भाई ऑनलाइन कहीं से भी देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक नहीं डाला है, क्योंकि मैं जब तक इसको पूरी तसल्ली नहीं करूँगा जब तक नहीं बताऊंगा कि ये कहाँ से लिए। तो आप वहाँ जाके गूगल पे सर्च करो भाई हाइड्रोलिक क्लच, बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, कहीं से भी देख लो, और मैं लिंक नहीं डालूंगा भाई, नहीं डाल रखा मैंने, क्योंकि मैं जब तक इसको बरतूंगा नहीं, और ये नहीं कि बस चलाया जाके लिया उसके बाद हो गया, नहीं, इसको मैं खूब अच्छा लंबा चलाऊंगा, उसके बाद देखूंगा कैसा, अगर सही लगा मुझे तो मैं आपको अगली वीडियो में कभी बता दूंगा कि हाँ भाई कहाँ से बाय करने। बाकी हाइड्रोलिक क्लच बहुत काम की चीज़ है, जब भी नई नई बाइकों में सुपर बाइकों में हाइड्रोलिक क्लच आते हैं, क्योंकि ये धोखा नहीं देते, तो ये लगाना अच्छी चीज़ है, बट अच्छा मिलना चाहिए, कोई भी मत लगाना, कोई भी नकली मत लगाना, अच्छा मिलना चाहिए तो ही अच्छा काम करेगा, दैट्स इट। बहुत नाम को फ़र्क पड़ता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी बंदे को फ़र्क पता चलने वाला है, क्योंकि एक वायर जो खींच रही है वो आउटर में टच होकर खींच रही है, ऑयल का प्रेशर जा रहा है, दैट्स इट। और वायर अगर आपकी ओरिजिनल है तो उसमें भी इसमें कुछ खास फर्क नहीं पता चलेगा, बट हाँ थोड़ा सा पता चलता है, तो उससे मुझे नहीं लगता कि उसके लिए अगर आप खाली लगाओ तो कोई सेंस नहीं बनता। बाकी ये शीशे आप कमेंट करके बताओ, मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी का हार्ट टूट गया हो, प्लास्टर करके वो होता है ना, हंस शीशे टूट गए डंडी लगा के, वो होता है ना हड्डी जोड़ देते हैं टेम्परेली, ये वो कुछ उस टाइप का लग रहा है। खैर फिलहाल अभी जाने के लिए ठीक है, क्योंकि बिना शीशों के मैं नहीं चलाता हूं, ना ही किसी को चलानी चाहिए, बस ये कहना चाहता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियोज़ का मिलते हैं बहुत जल्दी, वीडियोज़ के साथ साथ वी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।